आ गया, एक और कस्टमर आ गया गाइस, देख रहे हो वो आ रहा है भाई। हेलो गेमर्स, तो कैसे आप सभी लोग, सो वेलकम बैक टू द गेम प्ले एपिसोड ऑफ गैस स्टेशन सिमुलेटर। तो गाइस, इस गेम का एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है एंड इस अपडेट में ना गाइस, इस गेम की डीएलसी को रिलीज करा गया है एंड गाइस, डीएलसी का जो नाम है वो है टाइटल वेव। तो गाइस, अभी तक हम जब भी गेम को स्टार्ट करते थे तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो गेम था ना वो स्टार्ट हो जाता था, बट गाइस अभी हम यहाँ पर इन दोनों में से ना एक डीएलसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल वाला है अपना वो है डस्ट बाउल एंड जो अभी रिलीज हुआ है वो है टाइटल वेव। तो यहाँ पर गाइस हम अभी तक डेजर्ट में जाकर के अपना गैस स्टेशन को ओपन किए थे, लेकिन यहाँ पर गाइस अब हम अपने ओशन में बिना एक गैस स्टेशन को ओपन कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ एंड लेट्स सी कि भाई आगे इसमें क्या क्या चीजें नहीं आई है। ऑलराइट गाइस, फिलहाल के लिए आ चुके हम गेम के अंदर एंड अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं एक बोट के ऊपर। बाकी भाई एक सेकंड, स्टार्टिंग में ही गंदा कर गई सीरियसली, हद होती है भाई। और पीछे वॉल्केनो देख रहे हो गाइस, कितना ज्यादा बड़ा सा वॉल्केनो है। एंड भाई ये एरिया मेरे को सच बताऊं उस डेजर्ट वाले एरिया से ना काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। दूर दूर तक सिर्फ पानी है, शायद से हम किसी एक आइलैंड पे आए होंगे तभी हमारा यहाँ पर एक गैस स्टेशन होने वाला है। भाई देखो, ओशन होता तो भाई भूल जाओ वहां पर, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ पानी रहता है तो हम वहां पर तो गैस स्टेशन नहीं खोल सकते हैं। फिलहाल के लिए अपना एक वेलकम नोट आ चुका है एंड इस पे लिखा है, वेलकम टू द टाइडल वेव, यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ न्यू बिजनेस ऑन अ पैराडाइज आइलैंड। तो गाइस ये एक आइलैंड ही है एंड इस आइलैंड का नाम है पैराडाइज। द आइलैंड इज रूल्ड बाय अ मिस्टीरियस गॉड नेम्ड चुनचू मंचू इन द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ वोल्केनो। तो गाइस अगर आप लोगों ने एक वोल्केनो देखा होगा ना स्टार्टिंग में, तो वो वोल्केनो का नाम है चुनचू मंचू एंड उसको ना यहाँ के लोग एक भगवान के रूप में पूजते हैं, तो शायद से अपने को भी पूजना पड़ेगा। फिलहाल के लिए चलते हैं एंड इस जगह को ना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहला टास्क है गाइस अपना वैसे फाइंड द जनरेटर एंड टर्न ऑन द पावर, यही सब हमने डेजर्ट वाले एरिया में भी करा था। एंड गाइस डेजर्ट वाले एरिया का अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो हम कार चला रहे थे एंड कार चलाते चलाते हमारे को एक गैस स्टेशन दिखा था जो कि हमने खरीदा था एंड हमने उस पे जाकर के वर्क किया था। फिलहाल के लिए गाइस इस एरिया को देखोगे तो यार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है सीरियसली, देख रहे हो भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एंड गाइस वहां पर है वो वोल्केनो जिसका नाम है चुनचू मंचू, जिसको अपने को पूछना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए चलो फाइंड द जनरेटर एंड टर्न ऑन द पावर वाला जो टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इधर की साइड पे गाइस अपना शायद से जनरेटर होने वाला है, तो इसको जाकर के ओपन करते हैं एंड यहाँ पे पहले थोड़ा बहुत ना छानना कर देते हैं चारों ओर, क्योंकि भाई सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। थोड़ा सा तेज चलते हैं यार, ऐसे धीरे धीरे जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं। ओके, ओ भाई साहब, गाइस इस गेम में इन लोगों ने काफी ज्यादा बढ़िया ग्राफिक्स कर दिए यार, सीरियसली इसके इफेक्ट्स, इसके एनिमेशंस देख रहे हो कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं पहले से। एंड भाई एक सेकेंड, इस वोल्केनो को क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ इस जगह की लाइट्स वगैरह ऑन करी थी, पता नहीं भाई उसको कुछ तो हुआ है। अभी यहाँ पे अपना एक करंट टास्क भी आ चुका है, टेक अ गिफ्ट फॉर चुनचू मंचू। एंड अगर आप गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे ना, तो चुनचू मंचू की रेंज दिखा रखी है वहाँ पर, शायद से जैसे ही पूरा का पूरा फुल हो जाएगा 100% तब मुझे लगता है ये फट जाएगा एंड वो अपने गैस स्टेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ गिफ्ट देने की बात है, तो एक काम करते हैं जल्दी से गिफ्ट उठाते हैं पहले तो यहाँ जा करके, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को अपना गैस स्टेशन दिखाऊंगा, बट पहले जो गिफ्ट वाला काम है वो कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर एक फ्यूल स्टेशन भी है, शायद से अपने को बोट वगैरह में भी फ्यूल भरना पड़ सकता है, भाई ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। बाकी यार ये जो गिफ्ट है ना गाइस, ये तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अपने को डेजर्ट वाली जगह पर वो ट्रॉफीज वगैरह नहीं मिलती थी, शायद से मेरे को वही लग रही है। फिलहाल के लिए चलो गिफ्ट देना है मेरे को यहाँ पर एंड उससे क्या होगा ना, अपना जो चुनचू मंचू है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। अभी मेरे को गिफ्ट कैसे देना है भाई, वोल्केनो तो वहां पर है, शायद से यहाँ से कोई रास्ता होगा, तो इधर की साइड पे चलते हैं एंड जा करके ना पहले अपने चुनचू मंचू भैया को गिफ्ट दे देते हैं। भैया नहीं बोलेंगे भाई, वो भगवान है क्योंकि इस गेम में। फिलहाल के लिए ये आ चुके हम अल्टार पे, ओ गॉट इट। अगर गाइज आपने मेरी ट्राइब प्रिमिटिव करके एक सीरीज है मैंने जो अपने चैनल पर डाली हुई, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें भी ना एक अल्टार था, जब भी भगवान को कुछ करना होता था तो हम कुछ ना कुछ अच्छी चीज बनाते थे और उनको देते थे, उससे ना भगवान खुश हो जाते थे। तो मेरे को इतनी चीज तो समझ आ गई, यहाँ पर भी एक अल्टार है, तो जो मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ वो मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा जिससे कि भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे लावा है तो इसलिए मेरे को बहुत संभल के चलना पड़ेगा एंड पीछे से आवाज आ रही है भाई सही में आदिवासी वाली आवाज है, बच गया, गिर जाता अभी, बच गया भाई। ठीक है, फिलहाल के लिए काम करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं वो गिफ्ट जो हमने अभी जस्ट वहां से उठाया है, ठीक है। तो गाइस ये है अपना सैक्रिफाइसल गिफ्ट, मतलब जो अपने को सैक्रिफाइस करना है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड इसमें डाल देता हूँ, यस आई एम रेडी। ओह
भाई अभी चुनचु मंचू की रेंज देख रहे हो गाइस, 75 से सीधा 25 हो गई है। मतलब अपने को इसको गिफ्ट देना पड़ेगा एंड जो इसकी रेंज है ना चुनचु मंचू की वो फिर कम हो जाएगी। चलो फिलहाल के लिए अभी मेरे को एक और टास्क मिल चुका है जो कि है क्लीन द गैस स्टेशन। तो फाइनली गाइज हम अपना गैस स्टेशन अब यहाँ पर क्लीन करने वाले हैं एंड उसी में आपको अपना गैस स्टेशन भी मैं दिखा दूंगा। तो पहले यहाँ से डब्बे वगैरह उठाना स्टार्ट करता हूँ एंड सारा का सारा कूड़ा इसके अंदर डालते हैं। बाकी एक सेकेंड भाई, यहाँ पर ओहो भाई रिसेट बटन यहाँ पर डाल दिया इन लोगों ने, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था यार। मेरे को पहले ना बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, अगर आप लोग को याद होगा डेजर्ट वाले आइलैंड में, इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर दिया है। बाकी यार ये ना कूड़ा उठा के पीछे की साइड पर डालेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा कूड़ा होगा यहाँ पर, एज ऑलवेज भाई गैस स्टेशन वाली जगह पर होता ही है, ठीक है। तो इसलिए कूड़ा जो है पीछे की साइड पर डालेंगे। बस यार इसमें ना एक चीज़ अच्छी और होगा इस, जैसे हमारे डेजर्ट वाले आइलैंड में नहीं था कि हमारे को कूड़ा वगैरह जो यहाँ से मतलब खाली करवाना पड़ता था वो फ्री में हो जाता था, तो काश इसमें भी ऐसी हो, अपना जो कूड़ा हो वो फ्री में चला जाए। 10 आइटम्स मेरे को इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। 10 आइटम्स तो ऐसे डल जाएंगे भाई, बाहर वाले भी काउंट कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था सिर्फ गैस स्टेशन के जो अंदर कूड़ा होगा वो काउंट होगा, बट ऐसा नहीं है। एंड इसमें ना एक कभी सबसे बड़ी गलती गाइस ये है कि भाई इन लोगों ने ना अभी तक मेरे को वो गार्बेज बैग नहीं दिया जिसमें हम यहाँ पे कूड़ा फटाफट से भर सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है यार, वो होना चाहिए था भाई। अपना जो काम है ना वो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। एंड ये मछली यहाँ पे क्या कर रही है, जिंदा है ना, इसको पानी में डालो भाई, पानी में डालो। एक मछली पानी में गई छपाक। एक सेकेंड फिलहाल के लिए वाला कूड़ा भी डाल देता हूँ। अपना वैसे टास्क कंप्लीट हो चुका है, अभी मेरा यहाँ पर एक और टास्क आ चुका है, बिल्ड द वेयर हाउस। तो अपने को यहाँ पर अभी बनाना है गाइस एक वेयर हाउस। मैं सोच रहा हूँ पहले कूड़ा साफ कर ले क्या, वैसे सारा कूड़ा तो इसमें आ नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं ना पहले वेयर हाउस बनाते हैं गाइस, ठीक है। एंड वेयर हाउस बनेगा कहाँ पर भाई, यहाँ पर तो कहीं पर जगह भी नहीं है, पूरे का पूरा एरिया तो टूटा पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी देख रहे हो। वैसे इधर भी एरिया टूटा हुआ है, इधर भी एरिया टूटा हुआ है, सारा का सारा ही एरिया टूटा हुआ है भाई। शायद से अपने को ना रिस्टोर करनी पड़ेगी सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि हम डेजर्ट वाली जगह पर करते थे। तो चलो फिलहाल के लिए मैं अपने पीसी को यूज़ करता हूँ एंड अपग्रेड ऑप्शन में यहाँ पर आ तो रहा है वेयर हाउस बनाने का भाई, खाली थीम चेंज हुआ है, लेकिन पीसी में जो भी चीज़ें थी ना गाइस वो एज इट इज ही है। तो शायद से इनमें अपने को कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए वेयर हाउस बनाते हैं एंड सिर्फ इसके लिए अपने को लगने वाला है $100। तो चलो इसको बनाते हैं। ओ भाई गाइस दिख रहे हो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है अब भाई, पूरा का पूरा एरिया टूटा हुआ था एंड अपना जो चुनचू मंचू भी है ना जो गाइस वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा है। शायद से हम जैसे जैसे यहाँ पे अचीवमेंट्स को अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे अपना जो चुनचू मंचू है ना वो खुश होता जाएगा। तो ये काफी अच्छा लगा मेरे को, फिलहाल के लिए समझ भी आ गया मेरे को किस तरीके से अपने चुनचू मंचू को खुश करना है। बाकी ये आएगा क्या इसके अंदर, नहीं ये मेरे को फेंकना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं इसके अंदर डालते हैं, गया के अंदर, गया अंदर गया। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पर एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर मतलब खाली वगैरह करा सकता हूँ अपना गार्बेज कलेक्टर या नहीं, तो एक बार चेक करते हैं। डिलीवरी के अंदर मेरे को अभी फिलहाल के लिए फ्यूल सप्लाई मंगानी है क्या? अच्छा सौ लीटर मेरे को फ्यूल सप्लाई मंगानी है, तो एक काम करते हैं 100 लीटर जो है ना फ्यूल में ऑर्डर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। एंड तब तक मैं एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सर्विसेज में जाकर गार्बेज कलेक्शन है गाइस इसमें तो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, ये तो बढ़िया हो गया। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा ना यहाँ से फेंकता हूँ उसके अंदर, ताकि अपना कूड़ा जो है ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए यहाँ पर। और उसके बाद मेरे को अभी बहुत सारे टास्क करने हैं भाई, क्लीन द वेयर हाउस भाई एक टास्क मिल भी गया। तो पहले एक काम करते हैं वेयर हाउस पर चलते हैं एंड वेयर हाउस वाली जो जगह है ना उसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। बाकी अभी ये एक बोट आ तो रही है, पता नहीं भाई ये काहे की बोट है। फ्यूल तो वैसे मेरे हिसाब से उससे आना चाहिए ना, क्या कहते हैं उसको, गाड़ी से ना, पहले भी तो आता था गाड़ी से ही आता था, अभी मेरे को नहीं पता, बट ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी जो कूड़ा है ना यहाँ से ये सारा का सारा डाल देता हूँ। एंड ये वाला कूड़ा आप लोगों को गाइस समझ आ ही रहा होगा, पानी के साथ आ ही जाता है ये, थोड़ा सा ना ये इस टाइप वाला कूड़ा है भाई, लेकिन यहाँ पे ना कूड़ा बहुत ही ज़्यादा है गाइस, सच में बताऊँ बहुत ही ज़्यादा कूड़ा है। ये डब्बे तो मैं नहीं हटा सकता, बट ये वाला मैं कूड़ा हटा सकता हूँ, तो ये फटाफट से हटा देते हैं। एंड भाई एक सेकेंड, बोट आ भी गई गाइस, बोट आ भी गई, ये तो बहुत जल्दी आई है। एंड वहाँ पर आ रहा है ट्रक, मतलब कूड़े के लिए ट्रक आने वाला है और फ्यूल के लिए अपनी बोट आने वाली है, इतना मेरे को समझ आ गया है। तो चलो फिलहाल के लिए फ्यूल भरवाते हैं। ओ भाई मैंने सोचा इधर की साइड पर आएगा, वो वेयर हाउस की साइड पर ही आ गया। तो चलो फिलहाल के लिए वेयर हाउस के अंदर ही चलते हैं एंड फटाफट से जा कर के पहले फ्यूल वगैरह भरते भाई। एक सेकेंड, ये क्या सीन है, नीचे जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा गंदगी है गाइस देख रहे हो, छी भाई बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रही है। बाकी यहाँ पर एक वॉल दिख रही है मेरे को, शायद से इसको ओपन करना है।
एंड अपना जितना भी फ्यूल है ना वो सारा का सारा स्टोरेज के अंदर भर जाएगा। शायद से यहाँ पर है अपना टैंक, ये रहा गाइस देखो टैंक ना, तो ठीक है मेरे को समझ आ गया। बाकी पत्ती वगैरह फेंक दूँ क्या, पानी फेंक के देखूँ? भाई एक सेकंड, मैंने अभी यहाँ पे कूड़ा फेंकना स्टार्ट किया है, अब चुनचू मंचू गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है? रुको जरा एक सेकंड फेंकूँ। ओ भाई गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, रहने दो। लेकिन जब मैं पत्ती फेंक रहा हूँ तब गुस्सा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? और ये फेंकूँगा तो इस पर भी गुस्सा नहीं हो रहा है, वाह ये तो बढ़िया है यार, समझ आ गया मेरे को। ठीक है जो भी यहाँ पर पानी वाली चीज़, अबे नहीं नहीं गुस्सा हो रहा है गाइस, ये मेरे को सारा का सारा यहाँ से कूड़ा जो है ना साफ करना पड़ेगा, मुझे समझ आ गया। उसके लिए अपने को जो भी कूड़ा है इसके अंदर डालना पड़ेगा। काश यार मेरे पे यहाँ पर गार्बेज बैग आ जाता गाइस, मज़ा आ जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब कुछ कर लेंगे। फिलहाल के लिए अपना जो गैस स्टेशन है ना अपने को वो ओपन करना है, बट मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ी बहुत सफाई हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है ना, अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो थोड़ी सी सफाई मैं कर देता हूँ फटाफट से, उसके बाद अपना गैस स्टेशन खोलेंगे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। यहाँ का तो वैसे भी कूड़ा जा चुका है, बस थोड़ा बहुत कूड़ा अंदर रह गया वो डाल देता हूँ फटाफट से ना। चलो गाइस काफी हद तक मैंने सफाई वगैरह कर दी है, वापस से मेरे को जो गार्बेज कलेक्टर वाला है उसको बुलाना पड़ेगा, तो एक बार उसको मैं दोबारा से बुला देता हूँ, ठीक है वो थोड़ा बहुत सफाई कर देगा। वैसे भी फ्री में काम हो रहा है तो भाई करा लेना चाहिए। तो चलो अभी फिलहाल के लिए एक और टास्क है अपने पास, वैसे गैस स्टेशन को ओपन करना है अपने कस्टमर्स के लिए, तो जाकर के फटाफट से गैस स्टेशन को ओपन करते हैं। बाकी गाइस जीवाला जो थीम है मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, बाकी आप भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लग रहा है। फिलहाल के लिए इसको ओपन करते हैं, एंड भाई इसको ओपन करने का भी तरीका काफी ज्यादा डिफरेंट है, देख रहे हो क्लोज एंड ओपन, वाओ भाई कितना बढ़िया बना रखा है यार, ये तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी एक सेकेंड, कार वगैरह भी आने वाली है क्या भाई? मुझे नहीं पता था, शायद से इसमें गाइस कार वगैरह भी आने वाली है, एंड यहाँ पे आ रहा है वेट अंटिल द कस्टमर्स अराइव एंड रिफ्यूल हिज बोट। अच्छा मेरे को फिलहाल के लिए जो बोट है ना उसको रिफ्यूल करना है, तो ठीक है उसको करेंगे, बाकी कब तक के लिए वेट करना है ये तो उसने बताया है नहीं। चलो जब तक वेट करना है ना तब तक मैं एक काम करता हूँ, वेयर हाउस की जो है सफाई वगैरह भी कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा गंदगी है भाई वेयर हाउस में, कुछ ज़्यादा ही गंदगी है, ठीक है तो इसलिए यहाँ पर फटाफट से कूड़ा डालते हैं, एंड फिर इसके बाद गार्बेज वाले को दोबारा बुला लेंगे ना, तब तक अपनी जो बोट है वो भी आ जाएगी। ओके गाइस तो मेरे को भी बाहर से कुछ आवाज आ रही है शायद से, ओ एक बंदा आ गया, वाओ नाइस, चलो इसके पास चलते हैं एंड जा करके देखते हैं। भाई मैं तो सोचा बोट आई थी, बोट नहीं आई भाई, ये स्काई डाइविंग वाले बंदे शायद, नहीं स्काई डाइविंग नहीं होता यार वो क्या कहते हैं, स्काई जेट वाले, हाँ स्काई जेट बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं यार उसको मेरे को पता नहीं भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, इसके गाड़ी में फ्यूल भरते हैं, ठीक है इसकी गाड़ी में फ्यूल भरते हैं, ये परफेक्ट होगा क्या, लेट्स सी ट्राई करके देखते हैं। नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम, ओए पानी मत उड़ा मेरे पे पागल के बच्चे, भाई सारा का सारा पानी मेरे मुंह पे डाल गया। चलो ठीक है तो मेरे को समझ आ गया कि क्या क्या चीज़ें मेरे को करनी है। बाय अ पार्किंग लॉट, अभी मेरे को यहाँ पर एक पार्किंग लॉट को परचेज करना है, ठीक है परचेज कर लेते हैं। पैसे तो अपने पास वैसे भी आने लगे धीरे धीरे करके, तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया हो गया। और जब मैं यहाँ पर पार्किंग लॉट की बात कर रहा हूँ उसका मतलब तो साफ सीधी सी बात यही है कि अब यहाँ पे कार्स वगैरह भी आने वाली है, ठीक है तो फिलहाल के लिए यहाँ चलते हैं एंड अदर्स में जाकर के एक प्यारा सा पार्किंग लॉट जो है ना परचेज कर लेते हैं। ये फ्री में मिल रहा है तो इसको हम फ्री में ले लेते हैं, भाई फ्री की चीज़ सुबह से भी अच्छी होती है, फिलहाल के लिए ले लेते हैं इसको। एंड अभी मेरे को क्या करना है, कंप्लीट चैलेंज टू अनलॉक न्यू गैस स्टेशन फीचर्स, तो मेरे को 5 बोट्स को भरना है और 5 कस्टमर्स को सर्व करना है, ठीक है तो वो हम कर लेंगे। लेकिन अभी यार अपने पास वो आ गया, एक और कस्टमर आ गया गाइस, देख रहे हो वो आ रहा है, भाई क्या बढ़िया तरीके से भगाता हुआ आ रहा है, आजा बेटे आजा जल्दी आ, तेरे को फ्यूल भरूंगा मैं। लेकिन जब तक ये शायद से यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ पर इसको निकाल नहीं सकता हूँ, अभी मैं निकाल सकता हूँ। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, इसकी गाड़ी में भी फ्यूल भरते फटाफट से, गाड़ी नहीं मतलब बोट बोलेंगे, एंड ये परफेक्ट गया गाइस। देखा मैंने कहा था, अबे यार फिर से भिगा दिया इसने नल्ले ने, बार बार भिगा भिगा के जा रहा है भाई, ऐसे काम नहीं करते यार, ऐसे काम नहीं करते। पहले मैं सोच रहा हूँ बोट्स वगैरह ही पूरे की पूरी जो है ना वो कर देते हैं, ठीक है फ्यूल भर देते हैं मतलब उनमें, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। बाकी यार यहाँ गंदगी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, एक्सट्रीम लेवल पे गंदगी है यार यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है यहाँ पर भाई, इतना ज़्यादा पानी आता है कि यहाँ पर भाई पता नहीं ऐसा क्यों है। यार रिसेट करने से कुछ होगा क्या? एक काम करते रुको, यहाँ से चलते हैं जा करके ना, पहले वो रिसेट वाला बटन दबाते हैं। बट यहाँ पर अभी एक बंदा और आया शायद से, नहीं आया क्या? मैं सोचा कोई बंदा आया यहाँ पर, नहीं आया नहीं आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, जा करके ना पहले वो रिसेट वाला बटन दबाते हैं, मैंने सुना उससे भी थोड़ी बहुत सफाई होती है, लेट्स ट्राई इट, दिस विल रिसेट ऑल द कार्स एंड कस्टमर्स। नहीं भाई
ये काम मत करो, अभी तो हमारे प्यारे प्यारे कस्टमर्स आने स्टार्ट हुए। हेलो मैडम, कैसे हो? खाना वाना खाया? नहीं खाया। चलो ठीक है भाई, वहाँ पर कौन आ गया अब? एक सेकंड, बोट आई है क्या कोई इस बार? भाई बोट आई है क्या? बोट 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 गाइस, इस बार बोट आई है। इससे पहले अभी वो छोटे वाली कुछ आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बोट आ चुकी है। चलो इसमें फटाफट से, अबे रुक जा यार एक जगह पर, अरे रुक ही नहीं रहा है सीरियसली। अभी भर सकता हूँ मैं इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा हिल रही है भाई ये, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट गाइस, ये वाला भी परफेक्ट गया है। एंड भाई कितनी तेज जा रहा है वो सीरियसली यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गेम है यार सीरियसली। पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है साले में, तो डेजर्ट वाले से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है साले में। बाकी कस्टमर्स क्या लेने आ रहे हैं भाई? कस्टमर्स क्या लेने आ रहे हैं? मैंने यहाँ पर कुछ लगाया नहीं है, तो कस्टमर्स लेने के आएंगे शायद से। मेरे को कुछ चीज़ें परचेज तो नहीं करनी पड़ेगी? एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर कुछ परचेज करना चाहूँ, मतलब शेल्स वगैरह, तो मैं परचेज कर सकता हूँ। नाइस, एक बड़ा ले लेते हैं ना, दो दो बड़े बड़े ले लेते हैं, और थोड़ा बहुत सामान लाकर डालते हैं भाई पहले इसके अंदर ना। दो शेल्स हो गए, और सामान के लिए कहाँ से लेते थे हम? डिलीवरी से ना, प्रोडक्ट्स वगैरह ये रहा। ठीक है तो बढ़िया हो गया भाई, हम सामान वगैरह भी गए जब मंगा सकते हैं। तो ठीक है फटाफट से सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगा लेता हूँ, एक दो। अभी जो सस्ती चल रहा है, मतलब जो सस्ता आइटम है वो वाला मंगाएंगे, उसके बाद बाकी का आइटम मंगाएंगे। ठीक है ना, पैसे भी देखने हैं भाई, ज़्यादा पैसे नहीं है अपने पास, ऑर्डर कर देते हैं। एंड यहाँ पर अपने को कोई भी फीस वगैरह भी नहीं लगने वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। बाकी चलो फटाफट से यहाँ पर शेल्स वगैरह लगाना स्टार्ट करते हैं, यहीं पर लगा देता हूँ मेरे हिसाब से तो ठीक होगा। ये बड़ा नहीं लगेगा क्या यहाँ पे? अबे यार ये तो गलत सीन है यार, ये तो धोखा हो गया अपने अपने साथ गाइस, देख रहे हो? ये बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं लगा सकते हम। ऐसा क्यों भाई, ऐसे मत करो यार, बड़ी मुश्किल से तो मैं खरीदा हूँ अभी जस्ट, और तुम मना कर रहे हो। रुक जाओ इसको ना रोटेट करके देखता हूँ, क्या पता यहाँ कहीं पे लग जाए। लगना तो चाहिए मेरे हिसाब से, पीछे तो नहीं लगेगा, लगेगा। और इसको थोड़ा सा रोटेट करके परफेक्ट तरीके से लगाएंगे, ठीक है कोने पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे सही होगा, है ना? यहाँ पे सही होगा ना? थोड़ा सा स्क्वायर घुमाते हैं, ये लो ये लग गया। अबे बहुत जगह है यार ऊपर, तो मैंने सोचा जगह नहीं है, जगह तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है बाकी मेरे को अभी एक चीज़ और लगानी है यहाँ पर, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला, तो इसको यहाँ लगा देते हैं इसके जस्ट बगल में। ठीक है मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक होगा। बाकी अभी यार वहाँ पे बोट्स वगैरह आने लगी है, तो मेरे को उनको भी देखना है। ठीक है तो लो सॉफ्ट ड्रिंक का भी लग गया, फटाफट से जो इसका आइटम है ना भाई वो भर देते हैं। बाकी एक सेकेंड, आइटम कहाँ पर आया है? अच्छा भाई जो भी आइटम मैं मंगा रहा हूँ वो अपना वेयर हाउस के पास आ रहा है, मेरे को वहाँ से अपने वेयर हाउस में डालना पड़ेगा। उसके बाद समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ ही रहे होंगे वैसे तो। उसके बाद मैं फिर इसको मतलब कहाँ रखूँ भाई? अच्छा यहाँ पे स्टोरेज है, ठीक है ठीक है नाइस, ये तो बढ़िया है। उसके बाद ना मैं उनको अपने कस्टमर्स को सेल कर सकता हूँ, ठीक है समझ गए ना। चलो फिलहाल के लिए जल्दी से चलते हैं एंड जा करके पहले इस वाली बोट में फ्यूल भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद चल के ना सारा का सारा जो आइटम वगैरह सेल करेंगे, ठीक है भाई। एक सेकंड ऊपर आ जा, नाइस। चलो ये भी परफेक्ट होगा क्या? लेट्स सी। परफेक्ट गाइस, ये भी परफेक्ट हुआ है यार, अपने को तीन टिप मिल चुकी है अभी अभी में, ठीक है। बाकी 14% रेंज है अभी अपने चुंचू मंचू की, मतलब अपना चुंचू मंचू बहुत खुश है। बाकी यार इसमें फटाफट से ना मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल देता हूँ, एटलीस्ट अपने कस्टमर यहाँ से खाली ना जाए, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ और मंगा दूँ, बट खास पैसे नहीं है। वैसे मंगा सकता हूँ मैं, वैसे मंगा सकता हूँ ना, थोड़ा सा और मंगा लेते हैं यार आइटम, अभी के लिए मैंने मंगा दिया है, थोड़ा सा और मंगा लेते हैं। एक दो तीन, एक सेकंड थोड़ा ज़्यादा मंगा दिया, इसको कम करते हैं एंड ऑर्डर करते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत सामान और मंगा दिया है। बाकी गाइस गेम के ग्राफिक्स आपको पहले से ज़्यादा बेटर लग रहे होंगे, क्योंकि भाई मैंने अपना पीसी अपग्रेड कर दिया है, गेम तो पहले भी अच्छा ही था। ठीक है फिलहाल के लिए चलो जल्दी जल्दी एक काम करते हैं, यहाँ पे सर को सामान देना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर ने क्या लिया। अरे आ गए सर, कोका कोला लेने। वाओ नाइस, बढ़िया है। दारू वारू भी रखूंगा सर, दारू वगैरह भी लेकर जाना बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिलहाल के लिए इनको सर्व करते हैं भाई, उसके बाद अपने को नेक्स्ट चैलेंज मिलने वाला है, फिर उसको कम्प्लीट करेंगे। ओके सर, टाटा, सर्व करते रहिए, आते रहिए। बाकी मैं तब तक बोट वगैरह को जाकर देखता हूँ, शायद से कोई बोट आ गई होगी यहाँ पर। एटलीस्ट अपना एक टास्क तो कंप्लीट होगा। नहीं बोट नहीं आई इस बार, जेट आया, ठीक है। चलो भाई इसके अंदर डालते हैं। भाई ऊपर आ जा थोड़ा सा, और भाई इस बार परफेक्ट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। फिलहाल के लिए पैसे तो अपने को पूरे मिल रहे हैं ना, मैटर वो करता है, और वो हमको पूरे ढंग से मिल ही रहे हैं। अभी मेरे को एक कस्टमर नहीं, चार कस्टमर सर्व करने हैं, और एक बोट वाले को सर्व करना है, वो भी कर लेंगे। बाकी सामान भी आ चुका है, तो सामान भी उतरवा लेता हूँ, और पूरे का पूरा ना अपना वेयर हाउस को फुल करके रखते हैं, अपने पूरे गैस स्टेशन को भी फिल करके रखते हैं, ताकि अपने को ओ भाई 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 पानी में मत चला जाइयो, पानी में चला गया शायद से फिर तो गिर जाएगा नीचे ना, फिर ऊपर आने में मुश्किल हो सकती है। लेट्स सी, जाकर देखूंगा इस पानी में जाते हैं तो क्या होता है। ओ भाई पानी में गिर गया, ऊपर कैसे आऊँ? अच्छा यहाँ पर लैडर है, नाइस, ये तो बढ़िया दे रखा है इन्होंने।
भाई अगर पानी में गिर गए तो ऊपर आ सकते हो। अभी मेरे को यहाँ से सफाई करनी है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क है वो मेरे लिए। ठीक है, धीरे धीरे करके कर लेंगे, बाकी अभी तो कोई आ नहीं रहा है फ्यूल वगैरह भराने के लिए ना। तो अभी के लिए एक काम ही करते हैं, अभी जो कस्टमर से अपने उनको सर्व करते हैं, कस्टमर वैसे भी कैश काउंटर पर आ रखा है। चलो मैडम को भाई फटाफट से सामान दे देते हैं। मैडम जी लीजिए सामान आपका, बस $4 का, चार पगला गई हो क्या मैडम? बाकी मेरे को फ्यूल ऑर्डर करना पड़ेगा यार, फ्यूल ख़त्म हो गया है। इस बार थोड़ा ज़्यादा मंगाऊंगा, 200 मंगा लेता हूँ। अच्छा 200 आ सकता है ना, वैसे 100 ही मंगाऊँ क्या? 100 ही मंगा लेते हैं, चलो गाइस ठीक है 100 ही मंगा लेते हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है ना एक्चुअली में, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मंगा तो दिया है, बाकी यहाँ पर एक बोट और आ चुकी है, तो जल्दी से इसमें भी मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ फ्यूल। ठीक है, वैसे बोट आ रही है ना तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी जा रही है एंड जल्दी जल्दी आ रही है। लेकिन वो जो छोटी छोटी वो गाड़ियाँ नहीं आ रही जेट टाइप वाली, स्काई बोलते हैं यार शायद से उसको ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो वो टाइम टेकिंग है। बाकी चलो बोट्स का काम कंप्लीट हो चुका है, अब रह गया कस्टमर वाला काम। ठीक है, वो सर्व करना है, उसके बाद अपन लोग नया चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं। बाकी गाइस यार आप मेरे को ना एक चीज़ बताना, गेमिंग के लिए बैकग्राउंड है ना जो मेरा, ये मेरे को पता है इतना अच्छा नहीं है, तो आप मेरे को बताना यार कि कौन से वाला मैं यहाँ पर गेमिंग के लिए बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। एंड आप लोगों को जो पसंद हो मेरे को बताना एक बार, ठीक है? मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। एंड मेरे को पर्सनली पता है मेरे को हनीकॉम वाला अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मिल नहीं रहा है इस टाइम पे, वो अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को पता है तो मेरे को ज़रूर से बताना, मैं वो चेंज करना चाह रहा हूँ। बाकी पीछे भी कुछ लाइटनिंग वगैरह भी करेंगे अच्छी से, ठीक है, ताकि थोड़ा सा लगे यार गेमिंग वाला सेटअप बढ़िया सा है ना, तो मेरे को एक बार बताना। बाकी कस्टमर तो नहीं आया फिलहाल के लिए, एंड ना ही इस बार अपने को ब्रूम दिया गया है साफ सफाई करने के लिए। मैं वेट कर रहा हूँ काफी टाइम से कि अपने को ब्रूम मिल जाए एंड हम तब ना यहाँ पर साफ सफाई वगैरह कर पाए, बट ठीक है अभी तक तो मिला नहीं है। बाकी एक बंदा और आया है, जल्दी से इसके में भी फ्यूल डाल देते हैं एंड उसके बाद मेरे को फ्यूल वगैरह भरना है, तो जल्दी से अभी फ्यूल वगैरह भी भर देते हैं अपने वेयर हाउस में, नहीं तो भाई अब कोई कस्टमर आएगा ना मैं सर्व नहीं कर पाऊंगा। अच्छा हुआ मैंने टाइम पे देख लिया, नहीं तो मुझे लग ही रहा था कि मैं सर्व नहीं कर पाऊंगा, भूल ही जाऊंगा। वैसे मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि फ्यूल ख़त्म ना हुआ हो, बट ठीक है हमने टाइम पे फिलहाल के लिए फ्यूल भर दिया है। बाकी कस्टमर्स की रह रही है यार, अभी ना जल्दी जल्दी कस्टमर्स आ जाए, मैं कस्टमर्स वगैरह सर्व कर दूं, उसके बाद अपने को गैस स्टेशन के नए चैलेंजेस मिलेंगे। दो कस्टमर्स तो आ चुके हैं, एन वाली मैडम को जल्दी से सर्व करते हैं। लेट्स सी क्या क्या सामान लिया मैडम ने। ओ पहली बार चिप्स जा रहा है शायद से ना, पहले पॉपकॉर्न गया था, इस बार चिप्स गया है, चलो ये तो बढ़िया हो गया। फटाफट से दे देते हैं सारा का सारा सामान मैडम का। एंड ये वाली मैडम काफ़ी सारा आइटम लेकर जा रही है यार, अभी तक ऐसी कोई भी कस्टमर नहीं आई है मेरे पास जो इतना सारा आइटम लेकर गई हो। ओके मैम अच्छा बाय बाय, मतलब डेजर्ट वाले में ले गई थी, इस वाले में नहीं। वो मैडम खाली क्यों जा रही है यार, कोई सामान नहीं है क्या मेरे पास? शायद से मुझे लग रहा है कोई सामान मेरे पास ऐसा है जो इनको नहीं मिल रहा है। बाकी वहाँ पर एक और बोट आ गई यार, तो जल्दी से चलते हैं जा करके पहले बोट में फ्यूल भर देते हैं। ठीक है आ गया सर, एक सेकंड बस, मैंने फ्यूल वगैरह सब कुछ कर रखा है सर रेडी। अरे आ जाओ ऊपर, एक तो भाई ऊपर नहीं आ रहा है, देख रहे हो क्या है ये ड्रामा भाई, इतना ज़्यादा हिलती है ना ये बोट, प्रॉब्लम हो जाती है फ्यूल डालने में भी। परफेक्ट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, ना ज़्यादा गया ना कम गया, ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी कबाड़ा बढ़ता जा रहा है ना, उस वजह से अपना चुनचू मंजू गुस्सा होता जा रहा है, तो इसलिए अपने को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा यार, या तो अपने को शायद से गिफ्ट वगैरह देने पड़ेंगे इसको तब जाके खुश होगा, या अपने को पूरा का पूरा कबाड़ा जो है यहाँ का वो क्लियर करना पड़ेगा तब जा करके खुश होगा। ठीक है क्या, फिलहाल के लिए जल्दी से इस वाली मैडम को भी सर्व कर देते हैं, ये अपनी आखिरी मैडम है। बाकी गाइस मैं आपको ना अपना गैस स्टेशन दिखाऊंगा, बाहर से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, मतलब पहले इतना अच्छा नहीं लगता था मेरे को सही में। बाकी यार अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया, मेरे को साफ भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है मैंने सोचा था इसमें नहीं होगा, बट इसमें भी गाइस अपने को साफ वगैरह करना पड़ेगा। एंड एक सेकेंड एक और मैडम भी आ गई, वाह ये तो बढ़िया हो गया यार, अब धीरे धीरे करके कस्टमर जल्दी जल्दी आ रहे हैं यार, ये तो बढ़िया होता जा रहा है, मतलब जल्दी जल्दी यहाँ पर तरक्की की ओर बढ़ रहेगा इस। बाकी आप लोगों को ना मैं दिखाता हूँ अपना गैस स्टेशन बाहर से, भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, देख रहे हो भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ एक बहुत ही पुराने ज़माने में हम चले गए एंड वहाँ पर एक कुछ ऐसा गैस स्टेशन बना है। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, इतने पुराने ज़माने में भी कार्स थी, वो भी सेम डेजर्ट वाली जो अभी तक भाई यार सीरियसली यार रद्द है, बट ठीक है गाइस। यहाँ पे इसकी जो पार्किंग एरिया है ना वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा प्यारा बना रखा है यार सब कुछ ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पर फ्यूल डिस्पेंसर वगैरह ओपन करना है, ठीक है गाइस वो करेंगे हम फिलहाल के लिए नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी मैं एक काम करता हूँ ना, इस वाले बंदे को भी जल्दी से फ्यूल भर के भगा देता हूँ, ठीक है इसको भगाते हैं यहाँ से, ये लास्ट कस्टमर से आज का अपना, और ये लो हमने इसको भी भर दिया एंड ये भी परफेक्ट मिला अपने को, तो ठीक है गाइस। अरे भाई मत कर भाई, आराम से यार,
हाँ तो गाइस मैं क्या कह रहा था ना, तो इस वाले एपिसोड को यार बस इतना ही रखते हैं, जो अपना फ्यूल डिस्पेंसर है उसको नेक्स्ट एपिसोड में ओपन करेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोगों को गाइस ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को जाकर के लाइक कर देना एंड चैनल में सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और एपिसोड के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।